अभी किसी रोकेगा? बड़ा बाबू बन गए, बड़ा ये बेबी बन गए। साढ़े तीन बजे रोकिएगा, कानून का सम्मान करते हैं, अपनी भर्ती का भी सम्मान करते हैं। अभी आपको रोकने का राइट नहीं है, विनती के दलाली मत कीजिएगा। यहाँ जान देंगे, हमारे पास से झारखंड बनाने में जमीन हम देंगे बीएसएल को, और हम पेश चढ़ के बात कीजिएगा। भाई सुनिए, गाड़ी कभी कौन है बड़ा बाबू, जय इंस्पेक्टर गाड़ी छोड़ी वहां। साढ़े तीन बजे जब संहिता लगेगा, आप उस समय रोकिएगा, खुद रुक जाएंगे। अभी आपको रोकने का राइट नहीं है। साढ़े तीन बजे अगर संहिता लगेगा, आप समय रुकिएगा, हम खुद रुकेंगे, हम कानून का खुद सम्मान करते हैं। उल्टा काम करते हैं आप लोग। साढ़े तीन बजे रुकिएगा, अभी नहीं रुकिएगा। बैठा सब, बसिया 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 तो सही खातिर एकदम तुम्हारा झांसा देखिए दादा, सबके मालूम है, सब जितना लूटे वाला झारखंड के, चाहे प्रशासन में रहे चाहे पुलिस में, सबके मालूम है जरा महतोना जी तक ताकि तीन खेत के राख देखो, सबके मालूम है, सब चोर चोर मोसेरा भाई है तुम सब, सबके मन बनाए के लेके लूटना झारखंड। मैनेजमेंट रहे, पदाधिकारी रहे, अधिकारी रहे, सब मन बनाए लगाए कि झारखंड के जितना जल्दी है सकल लूट के बर्बाद कर देना। तो इसलिए याद रखा, 24 साल बाद कोई बेटा है लोग जब खुला मंच में बैठ के वीडियो रहे चाहे सीओ रहे, गिनती नहीं करे वाला ही गलत है, तो गलत है। इसलिए जरा महत्व थोड़ी हिम्मत बन गया लोग, विधायक सांसद बहुत कोई बनते है, आज भी बनते है, कल भी बनते है, हिम्मत नहीं मिलते। जयराम महतो नाम से ही रोमा खड़ा हो जाए, उस शख्स के नाम जयराम महतो लगा। तो आज अगर यहाँ चुप कर भा तो याद रखिया, ये मौका बार बार ना आए, तोहर अंदर के डर से मगर आज साफ तो बोल दियो, हमने अगर जीत गए लियो तो थाना रहे चाहे ब्लॉक रहे चाहे कोई सरकारी दफ्तर रहे, वहां जनता नजर झुकाए के ना आए, नजर उठाए के जीवा, इस बात की गारंटी है। वहां नजर उठाए के जीवा, इस बात की एकदम 100% गारंटी हो। कल परसों रात हम भाषण दे लिए डुमरी विधानसभा के पार बाराडी में, एगो लोक हमारे से भेटेल, अपन नाम लगले क्षीरोधर महतो, वो लोकवा हम एकदम भाषण के बगल में खड़ा हो गए, हमारा कहले बाबू तोर जे रांची में जे भाषण दे इंटरव्यू दे, उस भाषण में हमें चार बार सुन ली और चारों बार हम कहन दिल, हम कहे क्या काम लिखा आपको बताओ, तो मैं बोली तुम्हें तो सुरेश महतो के नाम धरले हली, वो हमारे दोस्त हो जाए, और तुम्हें जो घटना बता ली 100% सत्य घटना लगे, सुरेश महतो के जीते जी और दियो गोड़ काट दल है, और दियो हाथ कटल गल है, और दियो आँख कटल है, और बाद बोराई भर के दामोदर नदी फेंकल गल है। इतना कष्ट हमने झारखंड राज्य ले लिए, और बिरंची नारायण अगर विधायक बनता है तो अपना दुख नहीं रहते बता दो। हमारे ये बगल में मामा घर लगे या कतरी नदी धारी आम दी बार बगड़ा हरियरपुर आम दी कुआं, हमारे को मामा बनते हैं, अपना कतरी नदी मारल गया है, लोग के कहा थे कि जितना दूर तक बालू होले उतना दूर तक खून से लाल भाई वाले बालू का, और आज बड़ा बाबू छोटा बाबू वीडियो से हो यहाँ आए देखते मलकता है, ये बर्दाश्त नहीं करबो। हमार बाप दादा के खून से दामोदर नदी लाल भेल है, तब झारखंड राज्य मिलल है, नौकरी करा है, ईमानदारी से नौकरी करा, बिरंची और अनुप सिंह के गुलामी करे काम मत करा, चाहे कोई रहो पुलिस रहो चाहे प्रशासन रहो चाहे पदाधिकारी रहो, ऐसे झारखंड राज्य नहीं मिलल है। दहेज में लेके हमें झारखंड राज्य नहीं लिए,
ना कोई हमने के गिफ्ट में डाला है। ये बगल में दामोदर नदी है, ओकर बगल में कतरी नदी है। हमने बाप रा खून से कतरी नदी लाल भई जाल, कतरी के बालू लाल भई गेल जब काटल के रहले तो। अरे अखनी हमने पे चढ़ के बात कर, अगर जरा मान तो जीत गेल तो कोकरो चढ़ा नहीं जबो, और जे चढ़बे ओकरा पारस पहाड़ चढ़ेबो। हमने की बुझे तो मलके हैं, छमके हैं, खा हैं, ये मजा करे हैं, बीएसएफ के क्वार्टर में कब्जा करा तो हमने की पता चलता तो झारखंड कैसे मिला ले। इसलिए आप वो उन्नत ढंग की मत कीजिएगा, ईमानदारी से काम कीजिए, नमस्कार करेंगे, विधायक का गुलामी कीजिएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कबड़ लीजिएगा, क्या कबड़ लीजिएगा, केस कीजिएगा। अरे जिसका बाप गला को बोरा में भर के दामोदर नदी फेंका जाता था, वो बेटा लोगों को कैसे डराइएगा, कैसे डराइएगा क्या। हाँ, जिसके बाप दादा को हाथ पांव जिंदा काट के आंख निकाल के दामोदर नदी में बोरा में भर के फेंका जाता था झारखंड आंदोलन में, और उस बेटे को कैसे डराइएगा, बंदूक से डराइएगा। ये बंदूक नहीं है, शिवा मा तो आपका बंदूक को चुवाट बोलता था, हम भी चुवाट बोल रहे हैं। ऐसा ना सन चुवाट से हम लोग रोज बरस मारते हैं, ये जो कांध में कंधा में रखे है ना, ऐसा ऐसा चुवाट से हम लोग रोज बरस मारते हैं, एकदम मजाक बनाती है। अरे भाई ड्यूटी करते कौन ड्यूटी का सम्मान नहीं करता है, कैसे पब्लिक को रोकिएगा। परमिशन है कार्यक्रम का, परमिशन है ना अर्जुन कार्यक्रम का, किसे परमिशन, एसडीओ से है, एसडीओ से ऊपर है क्या बड़ा बाबू, बड़ा बाबू जब खुद परमिशन दे तो पब्लिक को खाए रोक रहे स्टेज में बुला के पूछे भैया। नहीं बड़ा बाबू जब खुद कार्यक्रम का परमिशन दिए तो रोक क्या रहे जी, ड्यूटी कर रहे कि गुलामी कर रहे। जब आप खुद परमिशन दिए, एसडीओ परमिशन दिए, एसडीओ ऊपर है आप, गजब करते हैं महाराज, एकदम मने ढांच कर रखते हैं झारखंड को आप लोग। चला जो झारखंड मर के लिया उसके ऊपर चढ़ के बात कीजिएगा, जिसके खून से झारखंड बना है उसको दबाइएगा। बंदूक रखिए, अच्छा से रखिए, उससे हम नहीं डरते हैं।